फ्रेंड्स, भावना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है बेसन के बेला। तो फ्रेंड्स, मैंने बेला लिया मैंने बेसन लिया है। इसके अंदर मैंने मिर्ची डाल दी है और हम मैं इसके अंदर डालूँगी। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे तेल। तेल डालकर इसको हम पानी के साथ गोथ लेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर पानी देकर इसको अच्छे से गोथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आटा मेरा गोथ के रेडी हो चुका है। कितना अच्छा आटा गूंदा है। तो इस तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये छोटी सी लोई उतारेंगे। अब इसके हम इसको करके छोटी छोटी इसकी लोई तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम स्टेप टू स्टेप बना लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, गैस को ऑन कर दिया, पतीली गैस पे रख दिया। अब इसके अंदर मैं तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी तेल को हम गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर तेज़पत्ता और दालचीनी डाल दूँगी, फिर मेथी डाल दूँगी, फिर जीरा डाल दूँगी, फिर प्याज टमाटर और मिर्ची डाल देती हूँ। फिर इसके अंदर मैं मसालों में धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद जो मैंने बेले बनाए थे वो देखिए कितने अच्छे बेले बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसके अंदर बेले डाल देती हूँ। हम घर पे आसानी से बेला बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाएंगे ज़रूर। तो फ्रेंड्स, स्टेप टू स्टेप वीडियो में बने रहे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल घंटे को से दबाएं ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब